एक समय की बात है, सिंड्रेला नाम की एक खूबसूरत लड़की रहती थी। वह अपनी मतलबी सौतेली माँ और अपनी दो क्रूर सौतेली बहनों के साथ रहती थी। एक दिन सौतेली बहनों को शाही स्थान पर एक समारोह का निमंत्रण मिला। कितनी शर्म की बात है कि नौकरानियों को भी आमंत्रित नहीं किया जाता है। जैसे ही उसकी सौतेली बहनें चली गईं, सिंड्रेला फूट फूट कर रोने लगी। वह गेंद के पास जाना चाहती थी। अचानक उसे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हारी परी गॉड मदर हूं, मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। परी गॉडमदर ने जादुई तरीके से सिंड्रेला और हेयर फ्रेंड्स को बदल दिया। उसने सिंड्रेला को आधी रात से पहले लौटने को कहा। जैसे ही सुंदर राजकुमार ने सिंड्रेला को देखा, वह तुरंत मंत्रमुग्ध हो गया। वे दोनों एक साथ नृत्य करते हैं और सौतेली बहन सिंड्रेला पर गुस्सा करती है। घड़ी में 12 बज गए और सिंड्रेला तुरंत वहां से भाग गई। उसने महल में एक कांच की चप्पल चुराई और खो दी। हैरान राजकुमार ने उसका पीछा किया, लेकिन उसे केवल चप्पल ही मिली। प्यार में डूबा राजकुमार एक घर से दूसरे घर गया। हर लड़की को चप्पल पहनने के लिए प्रेरित करना। जल्द ही वह सौतेली बहनों के घर पहुंच गया। उन्होंने उससे चप्पल छीन ली और उसे अपने पैरों पर पहनने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर राजकुमार ने सिंड्रेला को चप्पल पहनने के लिए कहा। उसका सुंदर पैर एकदम फिट था। राजकुमार खुशी से झूम उठा। राजकुमार सिंड्रेला को वापस अपने महल में ले गया। उन्होंने शादी कर ली और हमेशा खुशी खुशी रहने लगे।